हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ आरसीसी। अभी तक जो भी हमें न्यूमेरिकल के उसमें हम क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं, लेकिन अब हमें बीम को डिजाइन करना है, मींस जो रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आवर क्वेश्चन इज अ कंक्रीट बीम हैज 350 mm ब्रेथ एंड 700 mm इफेक्टिव डेप्थ। हमें बी एंड डी के बारे में दे रखा है। डिजाइन द बीम इफ इट इज सब्जेक्टेड टू अ सुपर इम्पोज्ड बेंडिंग मूवमेंट ऑफ 400 किलो न्यूटन मीटर। हमें बेंडिंग मूवमेंट दे रखा है। बेंडिंग मूवमेंट कितना दे रखा है, 400 किलो न्यूटन मीटर दे रखा है। यूज HYSD बार्स ऑफ Fe415 ग्रेड एंड कॉन्क्रीट ऑफ M20 ग्रेड, टेक BC इक्वल टू 50 mm। हमें जो स्टील दे रखा है वो Fe415 है एंड जो हमारा कॉन्क्रीट है वो M20 का है एंड इफेक्टिव कमर हमें 50 mm का दे रखा है एंड हमें बीम को डिजाइन करना है, मीन्स रीइंफोर्समेंट फाइंड करना है। नाउ जो हमारे सिंगली रीइंफोर्स्ड का केस होता था उसमें हम जो बीम डिजाइन करते थे वो किसके लिए करते थे, इन सेक्शन के लिए करते थे। नाउ इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी नहीं दे रखा कि ये डबली रीइंफोर्स्ड का केस है, वो हमें खुद ही फाइंड करना होगा कि हमारा केस जो है वो डबली रीइंफोर्स्ड का केस है। वो कैसे पता चलेगा, हमारी जब बीम ओवर रीइंफोर्स्ड हो जाती है तभी तो उस ओवर रीइंफोर्स्ड को हम इग्नोर करने के लिए उसको डबली रीइंफोर्स्ड बीम बना देते हैं। सो, अगर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट दे रखा है, मीन्स मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो दे रखा है, अगर ये ज़्यादा होता है हमारे बैलेंस केस में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जो बीम है वो डबली रीइंफोर्स्ड बीम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमें दे रखी चीज़ें उनको हम नोट डाउन कर लेंगे एंड बेंडिंग मोमेंट हमें 400 किलो न्यूटन दे रखा है, इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके डिजाइन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारा आ रहा है 600 × 10⁶ न्यूटन mm, मीन 600 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। नाउ लिमिटिंग सेक्शन के केस में हम एक्स्यू मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखेंगे तो एक्स्यू मैक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। एक्स्यू मैक्स या एक्स्यू लिमिटेड की वैल्यू मिल गई हमें, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट बैलेंस सेक्शन या लिमिटेड केस के में हम फाइंड कर लेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। इसमें हमने दिए, अभी हम जो बैलेंस सेक्शन जो हमारा होता है इस तरीके से, जो बैलेंस सेक्शन होता है उसमें हम सिर्फ हमारे टेंसाइल जोन में ही रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना होता है तो थोड़ा सा टेंसाइल में, टेंसाइल को कंपनसेट करने के लिए हम कंप्रेसिव जोन में भी स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम सिर्फ इस केस का देख रहे हैं, इसको नहीं देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ हमने इस केस के लिए ही लिखा है। तो यहाँ से हमारा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 472, हम कह सकते हैं 472 किलो न्यूटन mm आ रहा है। और लेकिन हमारे जो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है, डिजाइन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो 600 दे रखा है, मीन्स जो हमारा बैलेंस केस या लिमिटिंग स्टेट में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा दे रखा है। इसका मतलब जो हमारी बीम है वो कैसी है, ओवर रीइंफोर्स्ड बीम है। अगर उसको हम ऐसे ही डिज़ाइन कर देते लेकिन हम उसको डबली रीइंफोर्स्ड बना देंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस केस के लिए जो AST1 है वो फाइंड कर लेते हैं एंड जो बचा हुआ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, मीन्स देखिए ये डिज़ाइन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इससे जो लिमिटेड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है इसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हम इस केस के लिए डिज़ाइन कर देंगे। सो पहला हमारा टारगेट है AST1 फाइंड करना। तो AST1 कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें ये फार्मूला पता है, ये सिंपल T इक्वल टू C रखने से आ जाता है हमारा फार्मूला। तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, इससे हमें जो हमारे परसेंटेज ऑफ स्टील है लिमिटेड केस में या बैलेंस केस में वो हमें मिल जाएगा। कितना मिल रहा है, 0.956%। हमें पता है जो हमारे परसेंटेज ऑफ स्टील है उसका एक और फार्मूला होता है AST/BD। तो हम लिमिटेड केस में निकाल लें तो लिमिटेड केस में हमें पता है AST1 होता है, तो AST1 रखेंगे एंड इजली हमें AST1 की वैल्यू मिल जाएगी इतनी, 2342.2 mm². नाउ हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा AST2 फाइंड करना। सो डबली रीइंफोर्स्ड के केस में अगर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखें तो वो हम कैसे लिखेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ लिमिटेड स्टेट प्लस AST2 इंटू स्ट्रेस, ये क्या हो गया हमारा टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। इस केस में लीवर आर्म कितनी होती है, D-DC। हम ये वाले केस की बात करें, इसमें लीवर आर्म कितनी होती है, D-DC। नाउ इस इक्वेशन में हमें डिजाइन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता है, MU लिमिटेड अभी हमने फाइंड कर लिया, AS2 हमें फाइंड करना है, FI में पता है एंड D and DC हमें पता है। तो सारी वैल्यूज रखेंगे एंड ईजिली हम AST2 फाइंड कर लेंगे। AST2 कितना आ रहा है हमारा, 538.6 mm². नाउ जिस तरीके से हमने AST2 फाइंड किया उसी तरीके से हम ASC भी फाइंड कर लेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, हमें पता है बैलेंस सेक्शन या लिमिटेड सेक्शन के केस में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है प्लस फोर्स इनटू लीवर आर्म। नाउ अगर
आप सोच रहे कि ये कैसे हुआ, तो आपको थ्योरी देखने की ज़रूरत है। इसकी थ्योरी में हमने देखा था कि जो देखो ओवर इन्फोर्स जब केस हो रहा होता हमारा, तो हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, पहले बैलेंस सेक्शन के लिए उसको बैलेंस सेक्शन में तोड़ लेते, फिर जो हमने जो बाकी बचा हुआ हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया उसके लिए हम AST2 एंड ASC प्रोवाइड करते, तभी हमारी जो बीम होती है वो डबली रिइंफोर्स्ड बीम होती। तो इस केस में जो हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाता है, इस केस का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, बैलेंस सेक्शन प्लस जो हमने एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड की है जो बचा हुआ है उसके लिए। तो हम लिख सकते हैं जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। हमने जो सेक्शन था, हमने सेक्शन को जब एनालिस किया तो उसको हमने वही दो पार्ट्स में तोड़ दिया था, ये बैलेंस सेक्शन का केस है एंड ये वाला है जो हमने एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करनी है हमें उसका केस है। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने सिंपली जो हम टेंशन जोन में लगाएंगे तो ये बैलेंस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्लस जो हमने AST2 प्रोवाइड किया है उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरीके से जब हम कंप्रेशन जोन में लगाएंगे तो जो हमारा बैलेंस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्लस जो हमने ASC प्रोवाइड किया वो वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस तरीके से दो पार्ट्स में हम तोड़ लेंगे। सो इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को दो पार्ट्स में तोड़ लिया है। अब हमें यहाँ से ASC की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें FSC नहीं पता है। FSC को पता हमें इंटरपोलेशन जो टेबल है उसमें इंटरपोलेशन के द्वारा हम निकालते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड से ट्रायल एंड एरर मेथड में हम पहले XU की वैल्यू मानते हैं देन FSC की वैल्यू फाइंड करते हैं। बट यहाँ पे हमें XU की वैल्यू मानने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता है, हमें पता है बैलेंस सेक्शन के लिए इसको डिजाइन करने दो, बैलेंस सेक्शन में XU इक्वल टू XU मैक्स होता है, तो XU मैक्स की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो वो रख के हम इजिली हम जो हमारा स्ट्रेन है उसकी वैल्यू निकालेंगे, देन टेबल में देखेंगे स्ट्रेन की वैल्यू को एंड इंटरपोलेशन लगा के इजिली FSC की वैल्यू निकालेंगे। हमने लास्ट टू न्यूमेरिकल्स में इसको अच्छे से देखा तो उसको मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। नाउ हमें FSC की भी वैल्यू मिल गई, तो इस इक्वेशन में वैल्यू सारी पुट करके हम ASC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ASC की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 549.9 mm² आ रही है, लेकिन ये हमने क्या किया, इसमें जो हमने होल्स थे ना जो बैलेंस सेक्शन में जो होल्स थे वो तो माइनस करते थे, वो हमने कंसीडर नहीं किया। अगर वो हम कंसीडर करके चलें, इफ द लॉस ऑफ कॉन्क्रीट एरिया जो होल्स की वजह से जहाँ पे स्टील है कंप्रेशन जोन की बात कर रहे हैं, कंप्रेशन जोन में जो हमने होल्स ये बनाए ना, तो यहाँ पे तो इस समय हमारा कॉन्क्रीट है नहीं, लेकिन ये बहुत कम होता है ना, इसलिए हम इसको इग्नोर भी चाहे कर सकते, तो ऊपर की तरफ भी सॉल्व कर सकते, बट अगर इसको कंसीडर करना तो भी हम कर सकते। तो हमें उसके केस का भी फॉर्मूला पता है, इफ लॉस ऑफ कॉन्क्रीट एरिया ऑक्यूपाइड बाय द कंप्रेसिव स्टील इज टेकन इनटू अकाउंट, अगर जो कंप्रेशन स्टील है वो जो एरिया ऑक्यूपाई कर रही है उसकी वजह से जो कॉन्क्रीट में लॉस हुआ वो अगर आप अकाउंट में रखना चाहते हैं तो बस हमारे ये माइनस वाला और पार्ट लगा दीजिएगा, तो बस इससे भी हम सॉल्व कर लेंगे एंड हमारा कितना ASC आ जाएगा 564 mm², तो ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, तो आप चाहें तो सिंपल इससे भी लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर आप प्रॉपर लगाना चाहें तो इसको लगा सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से देखे होंगे एंड थ्योरी अच्छी से देखी होंगी तो आपको डिज़ाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।